नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए नगर परिषद ने आवेदन लेना बंद किया। 72 रिक्ति पर 572 आवेदन पड़े हैं। ये पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जल्द, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक बहाली, ये खबर समस्तीपुर से आ रही है। नगर परिषद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन, माध्यमिक में 546 व उच्च माध्यमिक में 26 आवेदन लिए गए हैं। 17 सितंबर तक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र लिए जाने थे। 18 अगस्त से नियोजन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। उच्च माध्यमिक में उपलब्ध विषयवार रिक्ति क्या है वो हम बताएंगे। माध्यमिक में विषयवार उपलब्ध कुल रिक्ति क्या है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि बिहार शिक्षक नियोजन से रिलेटेड कोई भी बड़ी खबर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उस वीडियो का आप पूरी तरह से लाभ उठा सकें। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है, ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए खबर है इसलिए पहले हम बोल देते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के छठे चरण के नियोजन में समस्तीपुर नगर परिषद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक नियोजन इकाई के लिए आवेदन पत्र लेने बंद हो गए हैं। जी हां, इनका जो टाइम लेने का था वो ख़त्म हो गया है। 17 सितंबर तक ही आवेदन पत्र लेने थे। इस तरह 17 सितंबर तक कुल 572 आवेदन आए हैं। नगर परिषद कार्यालय में डाक व काउंटर से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों को विषयवार व कोटिवार अलग कर रजिस्टर पर एंट्री की जा रही है। यहां नियोजन इकाई में डीओ कार्यालय से 2 शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं शिक्षक नियोजन को देखरेख करने के लिए। 18 अगस्त से आवेदन लिए जा रहे हैं। ये आवेदन शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय से घोषित कुल रिक्तियों पर लिए जा रहे हैं। माध्यमिक में 50 और उच्च माध्यमिक में 22 पद रिक्त हैं। आवेदन प्राप्ति की तिथि खत्म होने के बाद अब औबंधिक मेधा सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है, यानी कि जल्द ही आपको प्रोविनर मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है समस्तीपुर जिले का, क्योंकि जो शेड्यूल निकाला गया था उस शेड्यूल के अनुसार ही काम हो रहा है। 31 सितंबर को इसका नियोजन समिति से अनुमोदन होना बाकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि माध्यमिक में विषयवार उपलब्ध कुल रिक्ति कितनी है, क्या है वो हम आपको बता देते हैं। हिंदी में 3, अंग्रेजी में 2, संस्कृत में 3, उर्दू में 3, गणित में 3, विज्ञान में 5, सामाजिक विज्ञान में 7, शारीरिक शिक्षा में 6, संगीत में 6, ललित कला में 6, नृत्य कला में 6, मैथिली और फारसी में रिक्तियां 0 हैं। माध्यमिक में कोटिवार उपलब्ध सीट क्या है वो हम आपको बता देते हैं। UR 12, URF में 7, BC में 6, BCF में 2, EBC में 7, EBCF में 4, SC में 4, SCF में 2, ST में 3, STF व RF में 0, EWS में 3 तथा EWS में 0 सीटें यहाँ पे दर्शाया गया है। वहीं उच्च माध्यमिक में उपलब्ध विषयवार रिक्तियाँ क्या है वो हम बताते हैं। हिंदी में 3, अंग्रेजी में 1, संस्कृत में 0, उर्दू में 1, NRC में 0, वनस्पति विज्ञान में 0, जंतु विज्ञान में 0, रसायन शास्त्रों में 2, गणित में 2, भौतिक में 2, अर्थशास्त्र में 2, भूगोल में 1, इतिहास में 0, गृह विज्ञान में 1, राजनीति शास्त्र में 0, मनोविज्ञान में 2, समाजशास्त्र में 3, अकाउंटेंसी में 0, MPMC में 0, कंप्यूटर विज्ञान में 1, संगीत में 2 व मैथिली में 1 पद की रिक्ति यहाँ पे बताया गया है। उच्च माध्यमिक उपलब्ध कोटिवार सीट क्या है, तो UR का 61, URF का 57, BC का 28, BCF का 23, EBC का 51,
EBCF का 24, SC का 58, SCF का 30, ST 9, STF 0, RF 10, EWS 30 व EWS 8 सीटें रिक्त यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये हमने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का अपडेट दिया जो बिहार शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया का चल रहा है। अब हम आपको 94,000 शिक्षक बहाली का अपडेट दे देते हैं जो दूसरे राउंड की काउंसलिंग होने वाली है, दूसरे चरण के बचे हुए काउंसलिंग की उसका अपडेट हम आपको दे देते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जल्द। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रदेश में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर चुनाव आचार संहिता का असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का डर लगा हुआ है कि कहीं चुनाव प्रक्रिया का असर न पड़ जाए, तो ऐसा कोई बात नहीं है, चुनाव प्रक्रिया का असर नहीं पड़ेगा। विभाग ने 1200 से ज़्यादा नियोजन इकाइयों में 11,234 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है। जी हाँ, इतने सीटों पर आपको जो दूसरे चरण के बचे हुए जो काउंसलिंग है उनकी जो काउंसलिंग होगी वो है 11,234 पदों की सीट, इतना पे आपका काउंसलिंग होगा और निर्वाचन आयोग से इसकी अनुमति मांगी गई है। जैसा कि कल बताया गया था कि सोमवार को शाम तक इसका स्टेटमेंट आ जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिनों में आयोग से अनुमति मिल जाएगी। यानी कि ऊपर भी ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता का लागू इस पर कुछ नहीं होगा, यानी कि काउंसलिंग आपको होगी। विभाग आपको पहले ही बोल दिया था कि अक्टूबर में हम फर्स्ट वीक में काउंसलिंग करवाएंगे, अब देखिए क्या होता है। इसके बाद संबंधित नियोजन इकाइयों के तैयार मेधा सूची के आधार पर संबंधित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जल्द शुरू कराई जाएगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरिंदर कुमार सिंह ने शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के लिए अनुमति हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में दूसरे चरण की बची काउंसलिंग कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी है, क्योंकि पंचायती चुनाव के चलते आचार संहिता लगा है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने पंचायती राज विभाग से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। पंचायती राज विभाग का आकलन है कि अब तक परामर्शित आदि समिति पहले की तरह सक्रिय है, इसलिए काउंसलिंग कराने में कोई समस्या नहीं है। यहां बता दें कि 11,000 वो पद हैं जहां विभिन्न वजहों से काउंसलिंग नहीं कराई गई थी। तो एक बड़ा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, और भी किसी जिलों का अपडेट आएगा तो वो अपडेट के साथ हम फिर रूबरू होंगे। धन्यवाद।